डैम टच 20,000 स्क्वायर फुट के चार प्लॉट है, 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट एग्रीकल्चर लैंड है। आप देख सकते हो ये वाटर डैम टच का वाटर कैनल है, वो भी एक भाग से टच होता है। और जगह के आगे डैम का ही लैंड है, मतलब अपने को डैम का एक्सेस अपनी जगह से मिल जाएगा, क्योंकि उसके आगे डैम में जो एक्विजिशन में जाने वाली जगह है वो है। पूरी जगह आप देख सकते हो टेबल लैंड है, ब्यूटीफुल फॉग का व्यू मिलता है जगह में। आपको ये नीचे से अभी वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, एक झाड़ अगर क्लीन कर दिए तो पूरा डैम का पानी दिखेगा। ये पेड़ जगह के बीच में आते हैं, ये एक साइड से व्यू दिखे आपको। गोरखगढ़ माउंटेन वैली व्यू है, कोई देवगढ़ भी बोलते हैं इसको। छोटे चार प्लॉट ही है और फर्स्ट टाइम डैम टच ये इतने छोटे छोटे प्लॉट में दे रहा हूँ। आप किधर भी लोगे प्लॉट्स, एने प्लॉट्स कम से कम 1,000 रुपीज़ स्क्वायर फुट में मिलेंगे। ये मैं एग्रीकल्चर प्लॉट्स दे रहा हूँ आपको। आप देखिए पूरा व्यू, पूरा फॉगी व्यू क्लाइमेट रहता है पूरा। आपको दूसरा जो वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर ये माउंटेन्स क्लियर दिखेंगे, अभी ये फॉग के कारण नहीं दिख पाता है। ये एक्चुअल जगह है, इधर थोड़ा पार्ट में खेती भी हो रही है जगह के अंदर। 12 किलोमीटर अपकमिंग मुरबाड़ रेलवे स्टेशन है, 5 किलोमीटर कल्याण अहमदनगर नेशनल हाईवे से है। आप व्यू देख सकते हो, ये वाटर कैनल जो डैम का है वो है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, चेक डैम जो है उसके पीछे का। और ये एक आइलैंड है, ये अपने प्रॉपर्टी में नहीं आता है, मगर आप बोट से उधर जाके एक अलग टाइप एक्सेस या डिनर वगैरह या करना है वो आप उधर जाके कर सकते हो। माउंटेन वैली व्यू, फॉगी व्यू जगह के इधर से मिलता है। मुंबई से भी बहुत नज़दीक है, 600 मीटर का रोड हम लोग बना के देंगे जगह तक आपको। ऑलरेडी रोड है वो, मगर उसको और अच्छा बनाना पड़ेगा। बाजू में प्रॉपर्टी गई हुई है इस जगह के, उन्होंने भी छोटा सा घर बनाया था अंदर। बैक वाटर है, इसके लिए अपन अच्छा खासा घर बना सकते हैं। ये छोटा सा, ये भी जगह के अंदर आता है, इसके अंदर थोड़े पत्थर है जो जेसीबी से क्लीन हो सकते हैं। मैं आपको लास्ट में लेआउट भी दिखा दूंगा। ये स्मॉल छोटा सा उन्होंने शेड बनाया हुआ है, आप देख रहे हो बाजू वाले ने। डैम के इधर लोग बली रोड कच्चा रहता है, लोग ले लेते फटाफट, क्योंकि डैम को लग के प्रॉपर्टी कम मिलती है। और ये अपन रोड अभी अपन बना के देंगे और छोटे छोटे प्लॉट्स 20,000 स्क्वायर फुट के अपन दे देंगे। ये मेरा वर्किंग पैटर्न है कि पहले बिगर रोड वाली जगह लेने की, और जो भी लेते हैं उनको ये बेनिफिट मिल जाता है, और बाद में अपन रोड बना के देते हैं। इसको देवगढ़ का माउंटेन भी बोलते हैं कोई, माउंटेन का व्यू। और ये देखिए ये रोड है, ऐसा राइट नाउ ऐसा रोड है। ये मारस जो डैम है या मुरबाड़ डैम भी बोलते हैं, कच्चा रोड है ये आपको जो दिख रहा है, जो हम लोग आपको 600 मीटर का अच्छा बना के देंगे आपको। बाकी आगे 600 मीटर के पहले पूरा डांबर रोड है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो कोई किसी दूसरे के प्रॉपर्टी से नहीं जा रहे, ऑलरेडी जो रोड है वो, ये सामने गाड़ी खड़ी है वो डांबर रोड है। गांव बाजू में है तो लेबर भी आपको मिल जाएंगे, गांव तक लाइट आया हुआ है तो आपको अच्छी तरह लाइट भी मिल जाएगा। ये देखिए रेनी सिंह का व्यू, ये जो पानी भरा हुआ खेत दिख रहा है इसके ऊपर वाली, ये इसके ऊपर वाली ये प्रॉपर्टी अपनी, ये जगह इधर से स्टार्ट होती है 600 मीटर के बाद, और इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे प्लॉट आपको 20,000 फुट के देंगे। ड्रोन शूट से आपको क्लियर अभी ये आइलैंड दिख रही है सामने, मस्त व्यू, माउंटेन ढका हुआ है। 85 किलोमीटर इतना नज़दीक है मुंबई से, 71 किलोमीटर वाशी से है। पूरी टेबल लैंड व्यू आपको बाय ड्रोन में दिखा देता हूँ। और ये देखो ये डांबर रोड से इधर से ये रोड जाएगा,
कोई चीज़ छुपाने का नहीं, जो है एक्चुअल हम लोग लोगों को दिखा देते हैं। डांबर रोड नहीं बना के देंगे हम लोग, रोड ऐसा बना के देंगे कि गाड़ी आपकी आराम से जा सके, बारिश में फंसे नहीं, वैसा रोड रहेगा। कोई लोग बोलते हैं कि आप डांबर रोड सीमेंट रोड बनाएंगे, नहीं, ये डैम के लिए जाने के लिए रोड है। आगे बाद में वो लोग को डैम वाले को जब भी बनाना वो बना सकते हैं, मगर राइट नाउ हम आपको अच्छा रोड बना के देंगे, पिचिंग वगैरह करके, जो WBMB बोलते हैं इन शॉर्ट। तो आपको जगह तक आपको रोड मिल जाएगा। वापस बता रहा हूँ, ये जो पानी भरा हुआ खेत है इसके ऊपर वाली ये प्रॉपर्टी है, ये डांबर रोड जिधर से वो शुरू होगा। और अभी आपको मैं दूसरा भी दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा माउंटेन क्लियर दिख रहा है आपको, गोरखगढ़ या देवगढ़ किला जो भी बोले, सामने पूरा व्यू दिख रहा है। नाने घाट भी बोलते हैं कोई इनको, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, क्योंकि आगे मालशेज घाट भी है, बारिश में तो बहुत अच्छा खासा ये हो जाता है। पूरा व्यू आप देख सकते हो, रेट्स बढ़ेंगे क्योंकि इधर मुरबा रेलवे स्टेशन आने वाला है, कल्याण अहमदनगर हाईवे फोर वे टू वे से फोर वे होने वाला, जो मैंने कल्याण नासिक हाईवे टू वे तब इन्वेस्ट किया था, ये फिर सेम कल्याण नासिक अहमदनगर हाईवे टू वे है, तो अभी ये फोर वे होगा, वैसे ही रेट बढ़ेंगे। मुरबा रेलवे स्टेशन आ रहा तो इसके लिए भी रेट बढ़ेंगे। आपको ड्रोन से अभी जनवरी मंथ का भी वीडियो दिखा दिया है कि पानी अच्छा खासा रहता है इधर, आपको मालदीव्स का फील इधर आएगा। आप देख सकते हो पूरा इंडिया में भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये भी खाली 85 किलोमीटर है मुंबई से, माउंटेन व्यू, डैम टच, नज़दीक अपकमिंग हाईवे आ रहा है। आप देखिए पूरा का पूरा माउंटेन का व्यू भी दिख रहा है, और जगह टेबल लैंड है, बोरिंग अच्छा खासा पानी मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मत छोड़ना, आज इतने रेट में मैं जो दे रहा हूँ कोई नहीं देगा आपको। रेट्स बढ़ाऊँगा मैं, जैसे मेरे नाम पे होगा तो मेरे नाम पे होने के बाद मैं रेट बढ़ाऊँगा, जैसा और रोड बनाऊँगा तो रेट बढ़ाऊँगा। तो डोंट मिस, डायरेक्ट जगह आपका 20 घंटा आपके नाम पे करने का अपना जवाबदारी रहेगा। ये डांबर रोड है, इधर से वापस आपको अभी दिखा रहा दे रहा हूँ, ये देखिए ये रोड जो जा रहा है, कच्चा रोड जो दिख रहा है, ये रोड हम अच्छा बना के देंगे। तो आपको बारिश का वीडियो बाद में समर सीज़न के वीडियो वगैरह में दिखा देता हूँ, कोई चीज़ छुपाने का नहीं काम है अपना, क्लियर जो चीज़ है वो क्लियर सब सामने दिखाए तो बेटर रहता है। आप देख रहे हो ये पूरा कच्चा रोड, ऐसे ही मैंने इधर मुरवाड़ के आगे पारगाँव में भी 50 एकड़ लेके ऐसे ही मैंने किया था डेवलपमेंट। लाइट चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, बाहर गांव तक आ गया है, 600-700 मीटर तक मैं लाइट लाऊंगा और उसका जो भी ये चार्जन में डिवाइड हो जाएगा। क्लास वन प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्लॉट है, कोई आदिवासी वगैरह नहीं है, क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी, कई मैं डायरेक्ट डील करता हूँ अपनी खुद की, इधर ऑलरेडी 225 एकड़ है और ये अपना वर्किंग पैटर्न है लोगों को अभी अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ें देने की। खाली 4 प्लॉट 20,000 स्क्वायर फुट के बचे हुए हैं, आप देख सकते हो व्यू, ड्रोन से आपको बारिश का व्यू भी दिखाया, नीचे जगह का भी दिखाया, जनवरी मंथ का भी सीज़न का मैं आपको वीडियो दिखा दिया है। क्लाइंट को क्लियर चीज़ें दिखाना बहुत अच्छा लगता है अपने को, और मेरा टैग लाइन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ, कभी भी आप ध्यान में रखना। गोल्ड एक लिमिट तक आप ले सकते हो, बैंक में आज के तारीख में पैसा सेफ नहीं है, तो एग्रीकल्चर लैंड ही एक ऐसी चीज़ है जिधर आप अच्छा खासा डेवलपमेंट और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा खासा सब्सिडी देती है।